मान लो कि ये वृक्ष कुरुक्षेत्र है और इसके ये सारे पत्ते शत्रु सेना। इन पर अपने बाणों का प्रयोग करके दिखाओ। जो आगे गुरुदेव। ये रहा हमारा प्रसाद और ये रहे हमारे फूल। अब क्या रह गया? बाबा के चरणों की धूल। तो चलिए बाबा के चरणों की धूल भी प्राप्त करते हैं अभी चल के और आपको भी बाबा के दर्शन कराते हैं। नमस्कार साथियों। तो साथियों कैसे हैं आप? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं चुलकाना धाम। तो चुलकाना धाम में हम आपको बाबा श्याम के दर्शन कराएंगे और आपके लिए यहाँ का व्यू पूरा दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ का क्या इतिहास है वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों चुलकाना धाम आपको बता दें ये वो स्थान है जहाँ पर कि बाबा श्याम ने अपना शीश दान दिया था। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें आज है निर्जला एकादशी, तो हमारा भी सौभाग्य ये है कि निर्जला एकादशी वाले दिन और हमें बाबा श्याम के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। है गेट नंबर एक, तो अब गेट नंबर से एक से प्रवेश करेंगे और अभी जाएंगे। सामने देख सकते हैं आप काफ़ी भीड़ है इधर और सामने तमाम दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया आज निर्जला एकादशी है, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बाबा श्याम के दरबार में। तो अभी हम बाबा के दरबार में जा रहे हैं और बाबा के दर्शन करेंगे और आपको भी आज ही के दिन निर्जला एकादशी के दिन आपके लिए बाबा श्याम के दर्शन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो देखिए फाइनली दोस्तों अभी हमने यहाँ से ये फूल ले लिए हैं और अभी आगे जाके प्रसाद भी लेंगे और प्रसाद लेंगे और फूल लेंगे, उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। क्योंकि जब भी कभी बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाएं तो आप ये फूल प्रसाद उन्हें जरूर ले जाएं, चाहे जो भी श्रद्धा हो आपकी प्रसाद ना लें लेकिन आप फूल एक फूल तो जरूर ले जाएं बाबा श्याम के दरबार में। तो दोस्तों देखिए भैया अगर ये प्रसाद की दुकान है इनकी और ये हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है और जय श्री श्याम भैया बोल रहे हैं सभी भक्तों के लिए, आप भी जय श्री श्याम बोल दिए। तो बोलो भैया हारे के सारे की। देखिए तो हम लोग यहाँ पर जय श्री श्याम बोल रहे हैं और हमने प्रसाद ले लिया है और हमारा ये प्रसाद यहाँ पर उन्होंने भैया ने पैक भी कर दिया है। तो ये रहा हमारा प्रसाद, ये रहा हमारा प्रसाद और ये रहे हमारे फूल। अब क्या रह गया? बाबा के चरणों की धूल। तो चलिए बाबा के चरणों की धूल भी प्राप्त करते हैं अभी चल के और आपको भी बाबा के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ से गुलाब भी ले लिया है और अभी हमारे साथ देखिए ये लोग आए थे यहाँ पर, ये क्या नाम है आपका? सुनीता। आपका क्या नाम बहन जी? कशिश। कशिश। तो सुनीता और कशिश ये हमारे साथ ऑटो में बैठ करके आई थी, ट्रेन में बैठे थे लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम जहाँ भी जाते हैं किसी ना किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं और ये हम लोग हमें यहाँ मिल गए श्याम प्रेमी। अभी हम यहाँ से बाबा श्याम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लगे हुए हैं लाइन में और यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन है और लाइन में देख सकते हैं आप कि काफ़ी भीड़ है। इसके व्यू आपको दिखाता हूँ कि देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा है। तमाम श्याम प्रेमी यहाँ पर लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन के लिए और हम भी लगे हुए हैं। तो बोलो हारे के सहारे की, बोलो हारे के सहारे की, श्याम प्यारे की। तो दोस्तों अभी काफ़ी गर्मी का मौसम है और काफ़ी तेज़ गर्मी है, हालांकि जगह जगह निर्जला एकादशी का दिन है और लोगों ने श्रद्धालु हैं उन्होंने अपने अपनी तरफ से पानी की व्यवस्था भी कर रखी है लेकिन फिर भी गर्मी काफ़ी तेज़ है और धूप में खड़े हुए हैं बाबा श्याम के दीदार के लिए, पानी की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर बाबा श्याम की सेवा में लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी हम जिस स्थान पर पहुँचे हैं और मौजूद हैं वो स्थान है चुलकाना धाम। दोस्तों यह वही स्थान है, इसी स्थान पर वरवरीक यानी कि बाबा श्याम जी ने अपना शीश दान में दिया था। तो दोस्तों आपको बता दें यह बात उस समय की है जब कौरव पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। दोस्तों
युद्ध शुरू होने से पहले बर्बरीक युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए तो उनके पास उनके गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण और उनके दादा अर्जुन यानी कि जो पांडव थे उनमें जो भीम थे उनके पुत्र हुए थे घटोत्कच, उनके पुत्र हुए थे बर्बरीक जो कि एक बहुत ही महाबली योद्धा थे। दोस्तों आपको बता दें जब बर्बरीक युद्ध क्षेत्र में पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो उठे क्योंकि वो उनके बारे में और उनकी शक्ति के बारे में जानते थे। इसी बात को लेकर चिंतित भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरीक के पास पहुँचे तो बर्बरीक से बोले कि हे पुत्र आप इस युद्ध में क्या करोगे। तो बर्बरीक ने सबसे पहले अपने गुरुदेव और दादाजी को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि गुरुदेव मेरे पास 3 ऐसे बाण हैं जिनसे मैं पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। इसके बाद अर्जुन बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हे बर्बरी कभी तुमने इसकी जो बाण हैं आपके पास उनकी परीक्षा की है। तो बर्बरीक ने कहा इसमें परीक्षा की क्या बात है दादाजी, जब युद्ध शुरू होने वाला है तो इनकी परीक्षा भी हो जाएगी। यह बाण उन्हें भगवान आदिशंकर ने वरदान के रूप में दिए थे। तो दोस्तों आपको बता दें इतना सुनते ही श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे बर्बरीक यह जो पेड़ आप देख रहे हैं क्या इसके पत्तों को आप भेद सकते हो। इस पर बर्बरीक ने कहा कि हाँ गुरुदेव मैं ऐसा कर सकता हूँ। तब बर्बरीक ने अपना एक बाण निकाला और इसके सारे पत्तों को लक्ष्य बना दिया। दोस्तों इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बाद में जब उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि हे पुत्र क्या तुम सभी को अपना लक्ष्य बनाने में कामयाब हो गए, तो बर्बरीक ने कहा हाँ गुरुदेव मैंने सभी को अपना लक्ष्य बना लिया है और मैं एक तीर से इन्हें सभी को भेद दूंगा। इस पर भगवान ने पैर हटाकर उस पत्ते को देखा तो वास्तव में उस पत्ते में भी छेद था। दोस्तों इतना सब कुछ देखते ही अर्जुन काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा अब तो हमारी निश्चित ही विजय होगी और कौरवों की हार होगी। यह सब सुनते ही बर्बरीक ने कहा कि हे दादाजी आप ऐसा ना कहिए। तो अर्जुन ने कहा ऐसा क्यों ना कहें। इस पर बर्बरीक ने कहा गुरुदेव मैंने भगवान आदिशंकर को यह वचन दिया है कि जो भी इस युद्ध क्षेत्र में हारेगा मैं हारे का सहारा बनूंगा और उसे विजय प्राप्त कराऊंगा, यानी कि मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा जो इस युद्ध में हारेगा। इतना सुनते ही अर्जुन सहित भगवान चिंतित हो उठे और भगवान जब चिंतित होने लगे तो बर्बरीक ने पूछा गुरुदेव आपके चिंता का कारण क्या है। भगवान ने कहा पुत्र आज शुक्ल पावन द्वादशी है, आज की महिमा दोगुनी हो जाती है। इस पर बर्बरीक ने कहा मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। तो भगवान ने कहा पुत्र युद्ध से पहले चंडी एक बलि चाहती है और उसी की बलि चाहती है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। उसमें सर्वप्रथम मैं,
फिर तुम या अर्जुन, हम तीनों में से किसी एक की बलि दी जा सकती है। इतना सुनते ही अर्जुन ने कहा, केशव इसमें चिंता करने की क्या बात है, इसमें अगर इस युद्ध से पहले मेरी बलि देने के लिए मैं तैयार हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध एक भी पांडव के बिना नहीं लड़ा जा सकता। एक भी पांडव अगर कम हो जाएगा तो ये धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। सो हे अर्जुन तुम्हारी बलि इस युद्ध में नहीं दी जा सकती। सो हे अर्जुन अब सिर्फ एक ही मार्ग शेष बचा है कि मैं स्वयं ही अपनी बलि दे देता हूँ। वैसे भी मैंने इस युद्ध में हथियार ना उठाने की प्रतिज्ञा की है, मैं केवल आपका सारथी ही तो हूँ। इतना सुनते ही वरवरिक ने कहा, गुरुदेव आप मेरे गुरुदेव हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। गुरुदेव आपके इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपने शीश की बलि देता हूँ। गुरुदेव मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं आपके इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्षण मात्र भी नहीं सोचूंगा। ऐसा करने से मेरे कुल की कीर्ति बढ़ेगी, इस परम सौभाग्य को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। इतना कहते ही वरवरिक ने अपनी तलवार निकाली और अपने गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के आगे कर दी और कहा, हे गुरुदेव आप ऐसा शुभ कार्य करने में तनिक मात्र भी देरी ना करें। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वरवरिक मैं ऐसा नहीं कर सकता। वरवरिक अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यह एक हत्या होगी। तो इस पर वरवरिक ने कहा, हे गुरुदेव जब मैं स्वयं अपना शीश दान कर रहा हूँ तो यह हत्या कैसे हो सकती है। दोस्तों इतना सुनते ही वरवरिक ने अपना तलवार से धड़ अलग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण यानी अपने गुरुदेव को अर्पित कर दिया। यह वही स्थान है जो आप सामने दर्शन कर पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। मुझे भी आज इस स्थान के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों सामने हैं भगवान श्याम और आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, फिर भी काफ़ी कोशिश करने के बाद हमने बाबा श्याम के दर्शन किए। दोस्तों अभी हमने बाबा श्याम के दर्शन किए और अब हम बाहर आ गए हैं। अब दोस्तों हम आपको उस पीपल के वृक्ष के दर्शन कराएंगे जिसको कि एक तीर से उसके सभी पत्तों को लक्ष्य बना दिया था। तो ये वो पीपल का पेड़ आप देख पा रहे हैं सामने, ये पीपल का पेड़ है, देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और अभी आपने ये और देख सकते हैं आप है, यहाँ हमने घर को बना दिया है। तो दोस्तों अभी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम के दर्शन कराए, वो पीपल का पेड़ भी दिखाया जिसे कि बबरीक ने यानी कि बाबा श्याम ने अपने पत्ते एक ही बार से सबको भेज दिया था, तो वो भी हमने दिखाया था। तो अब हम आपको दिखाते हैं चुलकाना धाम का श्याम कुंड। ये देखिए दोस्तों ये है यहाँ पर चुलकाना धाम का श्याम कुंड। और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर देखिए काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और बारिश के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर लाइन लगाए हुए खड़े हैं और बच्चे यहाँ पर, बच्चे और बुजुर्ग भी यहाँ पर नहा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा श्याम कुंड जो कि चुलकाना धाम में बना हुआ है और श्याम कुंड में ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ पर स्नान करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो आइए श्याम कुंड को नज़दीक से देखते हैं।
ये देख सकते हैं, ये श्याम कुंड है। तमाम बच्चे और बुजुर्ग बड़े जो हैं वो स्नान इसमें कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर आने के बाद इसी प्रकार से स्नान करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग श्याम बाबा के बारे में नहीं जानते हैं वो श्याम बाबा के बारे में जान सकें, जिससे कि हमारा जो सनातन धर्म है वो मजबूत हो और बाबा श्याम के बारे में हर कोई आसानी से जान सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।